तो जिन जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनको बताऊंगा कि कोको की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, मैंने लास्ट में दिखाया था, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि उसको हो चुका है पार्वो वायरस, जो कि एक बहुत खतरनाक बीमारी है डॉग्स में। आज उसके ऊपर हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। मैं अभी कोको का मुझे पता चला है वो आ रही है डॉक्टर के पास से, तो अभी वो आएगी घर के सामने से निकलेगी, मैं रोकूंगा थोड़ी देर के लिए, आप लोगों को अपडेट दूंगा उसके बारे में। तो बने रहो इस वीडियो में और बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारे डॉग को पार्वो ना हो, प्लस हम किस किस तरीके से अपने डॉग को अगर पार्वो गलती से हो भी जाता है तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये एक बहुत ज़रूरी वीडियो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे इस बारे में वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो को देखो लास्ट तक। अभी मैं रॉक्सीचीनी से आपको मिलाता हूँ जल्दी से, तो चलो वीडियो में बने रहो। अभी दिन का टाइम है तो दही खत्म हो गई थी घर पर, तो मैं अभी लेकर आया हूँ दही। हम आजकल जमा नहीं रहे बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी भी खुद तबीयत ख़राब है। मम्मी की तबीयत अभी पहले से तो बेटर है बट ठीक नहीं है, मेरी भी कोई ठीक नहीं है, तो हम दही वगैरह नहीं खा रहे। तो मुझे रॉक्सीचीनी के लिए बाहर से लेकर आनी पड़ती है, क्योंकि मैं इन्हें दही देता ही देता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं इनको हमेशा दो ही टाइम दही दूँ, आप चाहे तो एक टाइम, तो गर्मी का सीज़न है तो चलता है इनके लिए। रुक जाओ रुक जाओ, नहीं चीनी नहीं, चीनी हमेशा जल्दी करती है। ठीक है रॉक्सी को हम इसमें खिलाएंगे। रॉक्सी रॉक्सी कह रही है मैं तो इसमें खा लूँगी बहुत जल्दी से। रॉक्सी की आँखें क्यों बड़ी बड़ी हो जाती है, हमसे जब भी कुछ खाती तो। वैसे खाने में जल्दबाजी रॉक्सी करती, चीनी बहुत रिलैक्स तरीके से खाती, मतलब आराम आराम से आराम आराम से थोड़ा 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 थोड़ा, रॉक्सी बहुत जल्दबाजी करती। तो ये हमारे पास है हमारी कोको, और जैसा कि आप देख रहे हो कोको की हालत बहुत गंदी है इस टाइम पे। इसके हाथ में वो ग्लूकोज वगैरह लगी थी, बोतल लगी थी, तो वो क्लिप वो है पट्टी हुई पड़ी है, और अभी इसको पार्वो हो चुका है। और बैड न्यूज़ ये है कि इसने अभी भी पानी पी लिया है, क्योंकि ये जिसके यहाँ रहती है वहाँ से ये खुल गई और इसने जाके थोड़ा सा पानी पी लिया। अब इसका फेस आप देख रहे हो कितना पतला सा हो गया, वरना इसका फेस काफ़ी ठीक था, काफ़ी अच्छा था। तो आज की वीडियो में प्रॉपर एक बात करूँगा पार्वो के बारे में, इसके होने का रीज़न, और बात करूँगा कि कैसे इससे बचा सकते हैं अपने डॉग को, और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम में आए ही ना। देख रहे हो आप कितनी कमज़ोरी हो चुकी है, मतलब इसका पेट भी पूरा अंदर तक जा चुका है, वरना ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। और अब कुछ कहने का मतलब वो नहीं लग रहा है मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पर मतलब डॉग के ऊपर जो बीतती है वो शायद डॉग को ही पता होगा, लेकिन रॉक्सी को ये पहले एक बार हो चुकी है, मुझे पता था रॉक्सी को जब मैंने कहीं और से अडॉप्ट करा था। वाली वीडियो नहीं देखे देख लेना जाके, रॉक्सी की स्टोरी नाम से, काफ़ी सब्सक्राइबर हमारे अब हो चुके हैं, उस टाइम इतने नहीं थे जब मैंने वो वीडियो बनाई थी रॉक्सी की स्टोरी, लेकिन अब वो आप जाके देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा रॉक्सी के साथ भी पार्वो का केस हुआ था, बट मैंने उसका पूरा ध्यान रखा, सर्वाइव कर दिया। लेकिन इसकी हालत इस टाइम बहुत क्रिटिकल है मैं ये कहूँगा, और अभी अभी मैं चाहता नहीं था, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला कि पार्वो के ऊपर बात करो, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ के ऊपर, तो मैं आज इसके ऊपर बात करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहो आप लोग। तो ये हमारी कोको है, तो इसका भी पूरे तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। कोको बेटा, तो अभी मुझे इसे देखा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि ये वाकई ही बहुत कमज़ोर हो गई है। चलिए मैं इसे बाहर, मैं मतलब इनके घर से लेकर, अभी ये डॉक्टर के यहाँ से लेकर आ रहे थे, तो मैंने बोला थोड़ी देर रुको, मुझे अपडेट देनी पड़ेगी आप लोगों को इसके बारे में। इसकी कंडीशन अब पहले से बेटर नहीं है बल्कि ख़राब हो चुकी है, देख रहे हो ना आप कितनी पतली हो चुकी है। कोको, इसको पता है कि अंदर रॉक्सी है, तो ये अंदर जाने की कोशिश कर रही है। हमें खासकर इस ऐसे टाइम पे ये गलती नहीं कर रही है अदर डॉग्स से जो है, मतलब नहीं गेट बंद है कोई बात नहीं, हमें ऐसे टाइम पे एक बात को ध्यान रखना है कि हमें अदर डॉग्स के टच में उस डॉग को नहीं आने देना है जिसको पार्वो है। ये देख रहे हो अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी नहीं बेटा, अभी इधर ही आ जाओ आप। ऐसे टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि अदर डॉग्स, खासकर पप्पीज के टच में ऐसा कोई भी डॉग ना आए जिसको ऑलरेडी पार्वो है, वरना चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस डॉग को भी पार्वो हो जाएगा। तो गाइस अभी अभी आपने कोको की हालत देखी कैसी थी, उसे देखने के बाद मेरा दिमाग इतना ख़राब है ना, आई एम रियली अपसेट यार, क्योंकि कोको ने जो है ना सभी पप्पियों ने मेरे हाथ में जन्म लिया है, तो मैंने पाला है उन्हें भाई छोटे से मुझे पता है, अभी वो बहुत पेन में है, मुझे मैं पता है ये बात,
बट क्या कर सकते हैं भाई। मैं तो अभी मैं बात करूँगा कि इसके बारे में होता क्यों है, क्या रीज़न हो जाते हैं मोस्टली, और इसे बचाने के कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा, मे बी इट विल वर्क फॉर यू। तो बात देखो ऐसी है कि एक तो मैंने आर्टिकल भी लिखवाया है वो अपनी वेबसाइट पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो जाकर जरूर देख लेना एक बार। अब आते हैं मुद्दे भी अपने पे कि भाई ये ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ 4 से 5 महीने की एज में होता है ज़्यादातर जो देखा गया है, ठीक है। अभी भी कोको वगैरह की एज भी यही है। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जितने भी पप्पीज़ हैं वो जो हमारे होते हैं ना कि गली में स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनके भी पप्पी होते हैं, वो उनके साथ खेलने लगते हैं, या फिर अदर पप्पीज़ होते हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होती है उनके साथ खेलने लगते हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप अपनी पप्पियों को ना और पप्पीज़ के कांटेक्ट में ना आने दें स्टार्टिंग के कम से कम 6 महीने। अब आप बोलोगे यार पप्पी हैं आपस में खेल लेंगे क्या चला जाएगा, देखिए बात सही है बिल्कुल भी, लेकिन प्रिकॉशन ले लो भाई अच्छा रहेगा, वरना हमें नहीं पता स्ट्रीट डॉग जो पप्पीज़ होते हैं या फिर और पप्पीज़ होते हैं, हमें नहीं पता उसमें किस में वायरस है, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये स्टार्टिंग एज में ही लगता है। तो स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने ही सबसे ज़्यादा ये वायरस लगता है, और ये एक एज ऐसी है इस टाइम में आपको अपने डॉग को कहीं भी गंदी जगह सुसू पॉटी नहीं कराना, ठीक है ना, कहीं भी गंदी जगह घुमाना नहीं है जहाँ अदर एनिमल्स सुसू पॉटी करते हों, चाहे वो कोई भी अदर एनिमल हो, गाय बकरी भैंस अदर डॉग्स कुछ भी हो, समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसी जगह नहीं घुमाना है, उसको साफ़ सुथरी जगह घुमाना है। कोशिश करें कि अदर डॉग से, चाहे वो पप्पी हो चाहे वो अडल्ट डॉग हो, उनसे दूरी बना के रखें स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने, बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा बड़ा रोल क्रिएट करती है इस चीज़ में, तो अपने डॉग को हमेशा टाइम पर वैक्सीनेशन कराएं। अब ऐसा भी है बहुत सी बार देखा गया है वैक्सीनेशन कराने के बाद भी हो जाता है पर वो, तो हाँ ऐसा कभी कभी हो जाता है लेकिन उसके बहुत रेयर चांस होते हैं, ठीक है। ये हो गई 2 चीज़ें ही, ठीक है। अब आते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर कि अगर गलती से हो जाता है तो क्या करना है हमें। अगर गलती से आपके डॉग को पार्वो हो जाता है तो सबसे पहले तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर नियर वेट, अपने सबसे पास के डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर पप्पी का बॉडी वेट अलग होता है, उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत सी चीज़ें होती हैं आप जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गलती ना करें कि खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करें, या फिर किसी और से पूछ लें, इंसानों वाले डॉक्टर से पूछ लें, ये गलती ना करें बिल्कुल भी। थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए, खड़े होइए, जाइए डॉक्टर के पास। दूसरी चीज़, इसमें हमें खाने पीने में क्या चीज़ें बरतनी है ध्यान रखना है। अगर आपके डॉग को वॉमिट हो रही है, पॉटी में ब्लड आ रहा है, तो एक बात ध्यान रखिए, उसके मुँह में कुछ नहीं जाना चाहिए, उसके मुँह में ना पानी जाना चाहिए जब तक उसको उल्टी बंद ना हो जाए, और वो जो ब्लड वाला पॉटी है वो बंद ना हो जाए, ना तो उसको आपको पानी देना है, पानी उसके लिए जहर है, ये बात साफ सुन लीजिए। अगर आपके डॉग को पार्वो है तो पानी उसके लिए जहर है, उसे बांध के रखें, वो पानी मांगेगा, उसे पानी मत दे देना वरना वो मर जाएगा, बचा के रखें बिल्कुल। पानी नहीं देना है उसे, उसे खाने को नहीं देना है, उसकी दवाइयाँ चलेंगी, उसको ड्रिप लगेंगी। ड्रिप से क्या फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा दवाइयाँ उसको सीधी उसके बॉडी में चली जाएंगी, दूसरी चीज़ उसकी बॉडी में पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। पानी की कमी होने के कारण मोस्टली क्या देखा गया कि डॉग का दिल पे असर पड़ने लगा है, जिससे हार्ट अटैक के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो दवाइयाँ भी बहुत स्ट्रांग होती हैं जो दिल पे असर करती हैं, बॉडी पर असर करती है, दवाइयाँ को तो भाई क्या ही बोलें। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, ड्रिप लगवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे दवाइयाँ और उसकी बॉडी में जो पानी की कमी है वो पूर्ति हो जाए, क्योंकि वॉमिट और डायरिया जो उसे लगा हुआ है उससे उसकी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी, जैसे आपने अभी कोको को देखा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना ही रखना है। ड्रिप लगवानी है टाइम टू टाइम, हो सके तो दिन में 2 टाइम ड्रिप लगवा लीजिए, ताकि उसकी बॉडी में पानी की कमी पूरी हो जाए प्रॉपर तरीके से, और उसे मुंह से बिल्कुल पानी पीने के लिए नहीं देना, खाने के लिए नहीं देना, किसी भी तरीके की दवाई नहीं देनी कि उल्टी की दवाई दे दो रात में, ये दे दो वो दे दो, नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना है, वेट की रिकमेंडेशन के बिना आपको एक कदम भी नहीं उठाना है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट हालांकि थोड़ा सा अलग है लेकिन ज़रूरी है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरा डॉग को पार्वो से रिकवर कर लिया है लेकिन अब मैं उसको खाना कैसे स्टार्ट करूं। एक बार ध्यान रखना, जब भी आपका डॉग पार्वो से रिकवर कर लेता है तो 50-70% चांस होते हैं उसका लीवर कमज़ोर है, पहले से कमज़ोर हो चुका है उसका लीवर। तो एक बात का ध्यान रखें, उसे कभी भी कच्ची सब्जियाँ ना दें आप खाने में, ठीक है। दूसरी चीज़, बीच बीच में उसको लीवर 52 जो डॉग्स के लिए आता है वो देते रहें आप, बीच बीच में कंटिन्यू नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़, जब भी आप उसका खाना शुरू करेंगे पार्वो के बाद, जब वो अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेगा दोबारा से, तो उसको थोड़ा हल्का हल्का खाना दें,
ठीक है, लाइक उसे आप पनीर का पानी दे सकते हैं, ठीक है ना, हल्की सी चपाती दे सकते हैं, मतलब थोड़ा हल्का खाना उसे देना है। ध्यान रखना एक साथ उसका डॉग फूड स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अभी उसकी जो इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि पार्वो में सबसे ज़्यादा असर उन्हीं पे होता है, तो ये बात का खास ध्यान रखें। और काफ़ी लोगों को ये शक रहता है कि क्या उनका डॉग मतलब पहले जैसा ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसकी हाइट बढ़ेगी ना बढ़ेगी, ग्रोथ होगी नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़े बहुत असर होता है लेकिन आप अगर उसका ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और गाइस एक चीज़ और, अगर आपके घर के आसपास है किसी भी डॉग को पार्वो होता है तो आप अपने पप्पी को या डॉग को उससे दूर रखें, उसके पास बिल्कुल ना जाने दें। तो आज के टाइम पर पार्वो जो है वो मोस्टली डॉग्स में बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है। भाई मैं आपसे बोलूँगा स्टार्टिंग के 6 महीने अगर आपने अपने डॉग की एक अच्छे से केयर कर ली तो आपका डॉग ना तो बीमार होगा, ना कभी आपको परेशान करेगा, ना किसी और को। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।